असली चौकीदार जो फुटपाथ पे हैं, रोटी एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। हम लोग 2500 रुपए में हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं, 25000 की वो चटनी खा रहे हैं। गुमराह हम लोगों को करे हैं, ना ही वेतन बढ़ा रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। योगी जी अगर भगवान तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं उनके चार हाथ हो चार पैर हो, हम भी योगी जी से कम नहीं है। योगी जी हमारे बनाए बैठे कुर्सी बैठे है, हमने बैठाला है, किसी योगी जी की बस की बात ना जो कुर्सी अपने आप बैठ जाए। और आज तक मोदी ने योगी जी ने किसी चौकीदार को कुछ भी नहीं किया। कहां चौकीदार, चौकीदार अगर होते तो वो आज हमारे साथ होते। उन्हें अपना उल्लू सीधा किया है, पूरे उत्तर प्रदेश उसको चूतिया बनाया है। अगर ये मंत्र 30 तक अगर हमारा सक्षम नहीं हुआ तो मोदी जी समझ ले मोदी जी की सरकार सफा हो जाएगी। रावण राज चल गया है, कंस राज हो चुका है। हमसे वो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो असली चौकीदारों से आके तो मिल लो। डबल इंजन की सरकार और डबल धोखा करते हैं हमारे साथ। हमारा लोकसभा का चुनाव फिर लॉलीपॉप पकड़ाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम फिर से हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां तमाम उत्तर प्रदेश से चौकीदार लोग आए हुए हैं और इनकी अपनी मांगे हैं, अपनी मांगों के साथ उपस्थित हुए हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं, क्यों नाराजगी है सरकार से। हम लोगों को मांग पत्र ये दिया गया है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और पुलिस अनुरूप जो है वर्दी दिया जाए। इस प्रकार का कार्य आज तक नहीं हुआ और 15000 रुपये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है इन्होंने बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो हम देंगे, हम जीते तो आप लोगों को जो है देंगे। तो आज तक जो है हम लोगों के खाते में मात्र 2500 रुपये मिल रहा है। जब 2500 रुपये मिल रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अपना जीवन यापन करने में तो हमें कठिनाई होती है, जब हम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेटियों को कैसे ऊँचा बढ़ा सकते हैं। यूपी में तो राम राज्य है, सब खुशहाल है जनता। अरे कहाँ राम राज्य है, यहाँ रावण राज्य भी नहीं चल रहा है। रावण राज्य जो है रावण राज्य से बेहतर चल रहा है। इस प्रकार का चल रहा है कि केवल लॉलीपॉप हर बार जो है झूठे आश्वासन दे करके और बरगला के हम लोगों को वापस कर देते हैं। कागज जमा है, प्रधानमंत्री ने कहा था मैं चौकीदार हूँ। अरे हमारे भैया चौकीदार तो हुए, बाकी वो नकली चौकीदार घुस के अपने घर में बैठे हैं, 70000 रुपए के जो है चटनी मंगा के खा रहे हैं। बाकी जो है हम लोग 2500 रुपए में हम रोटी नहीं खा पा रहे हैं, 25000 की वो चटनी खा रहे हैं। हम जो है रोटी नहीं खा पा रहे, चटनी नहीं खा पा रहे। प्रधानमंत्री नकली चौकीदार है जी, बिल्कुल नकली चौकीदार है। क्यों नकली क्यों है? नकली इसलिए है कि असली चौकीदार यहाँ खड़े, अगर उनके अंदर हौसला है, अगर जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी घटना घटती है ग्रामीण चौकीदार पकड़ा जाता है। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में ये कैसे घटना घट गई, जानकारी करके बताओ। उन लोगों के घर में जाते हैं और बुराई भलाई लेते हैं, हर प्रकार के दास्तान वारदात मारपीट भी हो जाती है उन लोगों के बीच में। तो इसलिए ये जो है गुमराह हम लोगों को करे हैं, ना ही वेतन बढ़ा रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं। किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं? अरे आश्वासन देते हैं, केवल आश्वासन के अलावा आश्वासन क्या क्या दिया है? देते हैं कि हम तुम्हारा बढ़वा देंगे, करवा देंगे, और हम लोगों का और अपमान हुआ है। ग्राम चौकीदार चोर है, हैं वो चोर थे तो चुप्पे जो है चोरी से चुप के बैठ गए, बाकी हम लोग असली चौकीदार जो फुटपाथ पे हैं, रोटी एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। साल में आपके लिए कुछ नहीं किया? 10 साल मोदी जी के बिल्कुल बेकार हैं। यूपी में तो कह रहे हैं राम राज्य है, रावण राज है वहाँ। रावण राज कैसे? रावण राज ऐसे कि नकली वो जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, हमसे वो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं और हम भी उत्तर प्रदेश के 70000 मौजूदा चौकीदार हैं। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो असली चौकीदारों से आके तो मिल लो। अगर वो असली चौकीदार हैं, या तो वो नकली चौकीदार हैं या फिर हम नकली चौकीदार हैं। आप लोग को क्या क्या आश्वासन दिया गया था चुनाव से पहले और उसके बाद कितना ध्यान दिया? चुनाव से पहले अगर आप देखा जाए तो 2021 में विधानसभा का चुनाव द्वारा हुआ था तो बजट में 47 करोड़ 88 लाख रुपये संसद में ला के पास किया गया था। और जैसे ही सरकार वापस दोबारा सत्ता में आती है, सिंहासन मिल जाता है, पार्टी बन जाती है अपनी बड़ी अच्छी खासी,
तो फिर उस बजट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अब क्या फायदा बढ़ाने से, क्योंकि पार्टी बन गई, सत्ता में आ गई पार्टी, समझ रही ना मेरी बात को। तो उसके बाद अब आ रहा लोकसभा का चुनाव, फिर लॉलीपॉप पकड़ाएंगे। आप बीजेपी के कई राज्य उठा के देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में बीजेपी सरकार, मनोहर लाल मुख्यमंत्री, वहाँ पर 11,000 रुपये मानदेय है, 4,000 रुपये वर्दी भत्ता है, रिटायरमेंट और 2,00,000 रुपये हैं। एमपी में चले जाइए, एक मिनट रुको, एमपी में चले जाइए आप, शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार है, 9-10,000 रुपये वहाँ पर भी वेतनमान मिल रहा है, धोबी का जमीन दे रखी है। और आप झारखंड चले जाइए, और आप बिहार भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा संख्या और बड़ा स्टेट, 75 जिले जहाँ की 80 सीटें आती हैं, और उनके साथ जो मौजूदा चौकीदार वहाँ के, उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, मात्र 2500 रुपये में। आप मुझे बता दीजिए कि क्या चौकीदार के नाम पर इलेक्शन जीतते हैं और जो रियल चौकीदार है उन्हीं के साथ धोखाधड़ी। ये बोलते ना डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार और डबल धोखा करते हैं हमारे साथ। 2019 में भी चुनाव जीते और 2000 उससे पहले भी चुनाव जीते। एक चौकीदार से जानना चाहेंगे, क्या चौकीदार चोर है? चौकीदार चोर हम लोग बदनाम हो गए, वो नहीं हुए। चौकीदार तो असली तो हम हैं, हम तो अंग्रेजों के शासन से हैं। हमारे बुजुर्ग थे, हम चलो पहले नहीं थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, अंग्रेजों के शासन के बाद जब आज़ाद हुआ तब से हम चौकीदार हैं। चौकीदार जो है चोर के नाम से हम घोषित हो गए, वो 2 बार चौकीदार बन गए, उसके बाद चौकीदारी हटा के रख दी उन्होंने, उनका काम निकल गया कि साहब हम चौकीदार हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले कि हम चौकीदार हैं, चौकीदारों की तरफ कुछ नहीं देखा। हमें सबसे ज़्यादा महंगाई है, डबल इंजन सरकार है। आज जहाँ कांग्रेस के राज्य हैं वहाँ 500 रुपये सिलेंडर है, हमारे यहाँ 1130 का सिलेंडर है। बताइए हम 2500 में कैसे सिलेंडर भरवाएं? अब 200 रुपए ने उतारे, 200 रुपया कम कर दिया, अभी रक्षा अभी किया है, अभी 200 और कम करेंगे नहीं करेंगे, सीटें चली जाएंगी, सरकार नहीं बनेगी। सबसे बड़ा स्टेट हमारा आता है, जहां से हमारी सरकार जीत के जाएगी, जो भी यूपी से, उत्तर प्रदेश से, वही सरकार बनेगी। 9.5 साल दबके लूटा, 6 महीने के लिए आप कम करवा रहे हैं, 200 रुपए में कितना बजट हो गया कम सा, कितना कम हो गया? फिर कितना जाएगा? जनता खुशहाल है ना, 200 रुपये कम कर दिए, सारी महिलाएं खुश हैं, उनको धन्यवाद कह रही हैं। 200 रुपये कम हो गए, डीजल के दाम कम हो गए, पेट्रोल के दाम कम हो गए, आटे के कम दाम हो गए, या आपके जो आपका जो तेल आता है उसके कम दाम हो गए, किस चीज़ के कम दाम, या गाड़ी जो आपकी 2000 पर उपहार दिया था, 1 मिनट रुको, 2016 में और आपके 17 में जो गाड़ी 40,000 रुपये की आती, आज वो 1,00,000 रुपये क्यों? उस पर भी तो पैसे घटने चाहिए थे, क्यों नहीं घटे? मोदी जी BMW मर्सिडीज लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, हमारा भी तो सपना है, हम भी तो अपने घर में IAS IPS बनाना चाहते हैं। हर आदमी का मिशन होता है कि मेरे घर में कोई आदमी मिशन सक्सेसफुल हो जाए। मोदी जी ने कहा पूरी दुनिया जो है परेशान है महंगाई से, अकेला भारत में महंगाई नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी बात बिल्कुल गलत है, ये पूरा भारत परेशान नहीं है, सबसे ज़्यादा तो हम चौकीदार परेशान हैं। उनके तो सत्ताधारी जो रक्षा मंत्रालय से जो क्या नाम उनका, राजनाथ क्या कहेंगे अब जो है 24 में सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी? हमारा तो अनुमान ये कह रहा है कि 24 में सीटें कुल मिला के 0 रहेंगी। जब आप जो है आईडी कार्ड पहने हुए हैं, डर नहीं लग रहा बर्खास्त कर दिए जाएंगे? कोई जरूरत नहीं बर्खास्त, हमारे हाथ नहीं काट लेंगे, वो पैर नहीं तोड़ देंगे, हम जो है प्योर चौकीदार हैं। चौकीदार एक्शन लेते हैं योगी जी? अरे कोई बात नहीं है, तो हम योगी जी अगर भगवान तो है नहीं, हमारे जैसे इंसान पैदा हुए हैं, हमारे जैसे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं उनके 4 हाथ हो 4 पैर हो, हम भी योगी जी से कम नहीं है। योगी जी हमारे बनाए बैठे कुर्सी बैठे हैं, हमने बैठाला है, किसी योगी जी की बस की बात ना जो कुर्सी अपने आप बैठ जाए, ये हम दावा करते हैं। हमने संसोला में, नखलऊ में अखिलेश जी को, ये गरीबों की हाय हमने उन्हें दी है, और गरीबों की हाय से आज पैदल घूम रहे हैं अखिलेश जी, सपा हो गई सपा सरकार, और हमने मोदी जी को बनाया, योगी जी को बनाया, और आज तक मोदी ने योगी जी ने किसी चौकीदार को कुछ भी नहीं किया। बजट पास करते हैं अपने कार्यों में लगा लेते हैं, तो कहते हैं हम चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार हूँ। कहाँ चौकीदार, चौकीदार अगर होते तो वो आज हमारे साथ होते, हमसे मिलते। चौकीदार बन के बोल के उनने अपना उल्लू सीधा किया है, पूरे उत्तर प्रदेश को चूतिया बनाया है, समझ गए? हम जैसे चौकीदारों को बेवकूफ बना के आज हमें जंतर मंतर में मंत्र पढ़ाने सिखाया, बुलाया है, आज हम मंत्र पढ़ के सक्षम हो गए। अगर ये मंत्र 30 तक अगर हमारा सक्षम नहीं हुआ तो मोदी जी समझ लें, जैसे हमारे 16 में सरकार अखिलेश जी की थी, ऐसे ही 24 में
मोदी जी की सरकार सफा हो जाएगी। चौकीदार का नाम लेकर चौकीदारों को बदनाम कर दिया मोदी ने। हाँ बिल्कुल, चौकीदारों का बिल्कुल खर्चा भाड़ा सब कुछ आज हमारे चौकीदार अभी आधे रेल से वापस कर दिए गए। किसी ने भूलबस उसका जो है पैसेंजर का टिकट ले लिया, एक्सप्रेस में बैठ गए और नखलऊ से उन्होंने कहा वापस कर दिए पूरे चौकीदारों को। क्यों? इसलिए कि उन्हें भूलबस अपना जो है टिकट जो है पैसेंजर का कटाया और वो बेचारे बैठ गए भीड़ के वजह से, उन्हें जानकारी ना मिली, एक्सप्रेस पे बैठ गए तो उन्हें वहीं से वापस कर दिया। ये अच्छा ही है, ये मोदी जी का राज है या योगी जी का राज है जो मतलब प्रजा को कुछ देख ही ना रहे? योगी के राज्य में राम राज्य आ गया है। कोई कहे कोताही एक राम राज्य के नाम से किसी के मुंह पर राम का नाम है ही नहीं, ये तो कलयुग चल गया है, समझ गए? रावण राज चल गया है, कंस राज हो चुका है, बिल्कुल ये तो ये हम लोगों को समझाने का माध्यम बना रखा है कि आएंगे तो मोदी ही, फिर आएगा तो मोदी ही अब की बार 400 के पार। अरे मोदी आएंगे तो हमें कुछ उससे बुधरुए, हम तो ये चाहते हैं मोदी जी को हम बार बार और अमर बना के रहेंगे वो मोदी जी को, पर हमारे चौकीदारों को तो कोई देखें, हमारे चौकीदार को खुद तो चौकीदार बन के और बैठ के कुर्सियों पर हवाई जहाज पर उड़ रहे हैं, हमारे चौकीदार को आज रेल भी पैदा ना हो रही है, समझ गए? जो हमारे राज कर्मचारी चतुर्श्रेणी दर्जा जो हमारा शुरू से चला है वो हमारा जो है कार्य किया जाए। अगर ये कार्य हमारा 30 सितंबर तक नहीं हुआ तो आप इस बात पर ध्यान दें, मोदी जी को ऐलान के साथ हमारे चौकीदार कह रहे हैं कि हम वोट ना देंगे। 75,000 चौकीदार है, 75,000 उनकी बीवियां हैं, 75,000 से ज्यादा कागज उनके बेटे और उनकी बहुएं हैं, समझ गए? करोड़ों की संख्या, ये मतलब ना, और हमारे नाते रिश्तेदार मित्र भी है हमारे साथ में, हमारे साथ में और पूरा गांव भी है। गांव को हम अपनी कमजोरियां जब बताएंगे तो मोदी जी को हमारे पास ऐसा तो है नहीं, हम कोनी तक हाथ जोड़ ले, अपना चौकीदार बनकर उल्लू सीधा कर लिया और हम चौकीदारों को यहाँ बेवकूफ बनाकर जंतर मंतर में खड़ा कर दिया। तो ये है असली चौकीदार। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय कहा था मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, उसके बाद जो है चुनाव जीत लिए, उसके बाद जो ये चौकीदारों की कितनी देखभाल हुई और क्या कुछ हुआ वो सच्चाई आप देख पा रहे होंगे, किस हालत में है आज ये लोग हैं, पूरी सच्चाई आपको दिखाई हमने पूरी बातचीत पर। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कैमरामैन तोहित के साथ ड्यूटी गिरी जनहित आवाज़।